एक ऐसा अमेजिंग लाइफ हैक जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आ सकता है, जिसे जानने के बाद आप भी यही कहोगे। क्या बात है। वेल, अगर आपने भी कभी बॉक्सेस पर ये वाले टेप को चिपका होगा एंड उस टाइम आपके पास सीजर या ब्लेड ना रहा हो तो आपको उसे काटने में बहुत दिक्कत हुई होगी। बट अब जब आप ऐसा अगली बार करेंगे तो आपको बिना सीजर या ब्लेड के टेप अलग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब आप एक सिंपल एंड कूल ट्रिक को जानने वाले हो। वेल, सिंपली आपको टेप को अलग करने के लिए टेप को कुछ इस तरह से फोल्ड करके उसे जोर से नीचे की तरफ खींच देना है एंड टेप प्रॉपर वे में अलग हो जाएगा, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग ट्रिक है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर 99% लोग नहीं दे पाते हैं। वेल, क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो गीली है तो 1 किलो की है, सूखी है तो 2 किलो की है और जला दे तो 3 किलो की है। इसका आंसर सिर्फ लेजेंड्स ही दे सकते हैं। क्या आपको पता है? कमेंट्स में जरूर बताना। साइंस के दो ऐसे अमेजिंग ट्रिक जिन्हें देखने के बाद आप भी यही कहोगे। क्या बात है। नंबर 1, इस ट्रिक के लिए सिंपली आपको एक कंटेनर में थोड़ा सा ग्लू एंड थोड़ा सा बोरेक्स एक्स सॉल्यूशन डालकर मिक्स कर देना है एंड इसके बाद ये एक स्लाइम बन जाएगा और इसका यूज आप छोटी से छोटी चीज की गंदगी साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 2, इस ट्रिक के लिए सिंपली आपको किसी नॉर्मल वाटर में डार्क पर्पल कलर को डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर देना है एंड फिर जब आप इस कलर्ड वाटर में ड्राई आइस के छोटे छोटे पीसेस को डालोगे तो ये ड्राई आइस किसी एलपीजी गैस की तरह जलते हुए दिखाई देगी, जो कि देखने में लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ होगा। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक ऐसा अमेजिंग मैजिक ट्रिक जिसे सीखने के बाद आप भी यही कहोगे, मजा आया। वेल, इस वाले मैजिक को तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, जहाँ पर मैजिशियन मोबाइल के आर पार एक कपड़े को निकाल देते हैं। बट इस मैजिक को करना बहुत ही इजी है। वेल, इसके लिए आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट को कुछ इस तरह से काट लेना है एंड फिर इसमें किसी रुमाल या फिर किसी कपड़े को फंसा कर मोबाइल के स्क्रीन पर रख कर आप भी ऐसा मैजिक कर सकते हो। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ होगा। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक ऐसा अमेजिंग लाइफ हैक जो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है, जिसे जानने के बाद आप भी यही कहोगे। क्या बात है। वेल, जब भी हम कोई नया प्लेट लेते हैं तो उसमें लगा ये बीच वाला स्टिकर कई बार अच्छे से नहीं निकल पाता, बट अगर आप नए प्लेट को गैस चालू करके गैस पर थोड़ी देर के लिए रखोगे तो थोड़ी देर बाद ही स्टिकर अपने आप ही निकल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइंस का एक ऐसा अमेजिंग ट्रिक जो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है और इसे जानने के बाद आप भी यही कहोगे। क्या बात है। पेपर को पिन करने के साथ साथ आप स्टेपलर से वायर को भी छील सकते हो। बस आपको उस वायर को स्टेपलर के नीचे दबाकर कुछ इस तरह से खींच देना है। साथ ही वायर को मजबूती से जोड़ने के लिए आपको उसे कुछ इस तरह से मोड़कर आपस में फंसा देना है, जो काफी मजबूती से जुड़ जाएगा। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ होगा। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक ऐसा अमेजिंग लाइफ हैक जो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। वेल, अगर आपका भी डाटा केबल कुछ इस तरह से कट जाता है तो आप इस ट्रिक का यूज करके उसे फिर से पहले जैसा बना सकते हो। आपको किसी भी बॉटल के कैप को उसे गर्म करके ला लेना है एंड कटे हुए डाटा केबल को पिघले हुए कैप पर कुछ इस तरह से घुमाते जाना है और आपका डाटा केबल फिर से पहले जैसा जुड़ जाएगा, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग ट्रिक है। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ होगा। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शॉकिंग सीक्रेट ऑफ फूड एडवर्टाइजमेंट, जिन्हें जानने के बाद आप भी यही कहोगे। क्या बात है। नंबर 1, टीवी एड्स में पिज्जा को टेस्टी दिखाने के लिए उसमें स्क्रू फिट किया जाता है और ग्लू का भी यूज किया जाता है। नंबर 2, कोल्ड ड्रिंक के एड में जो आइस दिखाई जाती है वो एक्चुअल में प्लास्टिक की होती है, क्योंकि ओरिजिनल आइस जल्दी पिघल जाती है। नंबर 3, फ्रूट को ज्यादा चमकदार और फ्रेश दिखाने के लिए उसके ऊपर हेयर स्प्रे किया जाता है। नंबर 4, एड में जो पेस्ट्री दिखाई जाती है उसे बनाने के लिए कार्डबोर्ड एंड शेविंग क्रीम का यूज किया जाता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो कमेंट्स में जरूर बताना एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 4 अमेजिंग फैक्ट, जिन्हें जानने के बाद आप भी यही कहोगे। क्या बात है। नंबर 1, बर्ड्स को किसी भी चीज का टेस्ट फील नहीं होता, क्योंकि उनके बॉडी में टेस्ट ग्लैंड्स नहीं होते। नंबर 2, रेफ्लेशिया फ्लावर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है, जिसका वेट अप्रोक्सीमेट 10 kg तक होता है। नंबर 3, 1859 में ऑस्ट्रेलिया के एक फॉरेस्ट में 24 रैबिट्स को छोड़ा गया था एंड सिर्फ 6 सालों में उनकी संख्या 2,000,000 हो गई थी। नंबर 4, क्या आपको पता है कि 1970 में जब सैमसंग कंपनी स्टार्ट हुई थी तब वो नूडल्स बेचने का काम करती थी। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगा। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंडिया का एक ऐसा अंधविश्वास जिसके पीछे का साइंस जानने के बाद आप भी यही कहोगे। क्या बात है। दोस्तों, इंडिया में सूर्य ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलना और सन के तरफ देखना अशुभ माना जाता है, बट इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सन से आने वाली अल्ट्रावोल्ट रेडिएशन बहुत ज्यादा हाई होती है, जो कि हमारे रेटिना को डैमेज भी कर सकती है और हम अंधे भी हो सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ होगा। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
दोस्तों इस मैजिक ट्रिक को देखने के बाद आपके दोस्त भी आपसे यही कहेंगे, मजा आया। वेल, इस मैजिक में आपके दोस्तों को ऐसा लगेगा जैसे ही आपने कॉइन को ग्लास से ढकोगे तो वो गायब हो जाएगा, एंड ग्लास को हटाते ही वहाँ पर वापस भी आ जाएगा। इसे करने के लिए सिंपली आपको एक सरफेस पर एक कलर के पेपर को बिछा देना है, एंड उस पेपर में से छोटा सा पार्ट कट करके अपने ग्लास पर चिपका देना है। फिर कुछ इस तरह से आप इस मैजिक को कहीं पर भी परफॉर्म करके अपने दोस्तों को शॉक कर सकते हो। वेल, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 3 अमेजिंग फैक्ट अबाउट रॉयल रॉयस। नंबर 1, रॉयल रॉयस की फिनिशिंग देने में अप्रोक्सीमेट 7 to 20 डेज का टाइम लगता है, एंड इसमें लगने वाले पेंट का वजन 100 पाउंड का होता है। नंबर 2, क्या आप जानते हो कि रॉयल रॉयस कार के बोनट पर लगा सिंबल कार स्टार्ट होने पर ही बाहर आता है, एंड कार बंद होने पर ये वापस अंदर चला जाता है। नंबर 3, रॉयल रॉयस के बोनट पर बने स्टैचू को द स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहा जाता है। दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आओगा, सो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वर्ल्ड मिस्टीरियस प्लेस पार्ट 1, जिसके बारे में जानने के बाद आप भी यही कहोगे, क्या बात है। वेल, इस मिस्टीरियस प्लेस का नाम है मरियाना ट्रेंच। ये पैसिफिक ओशन का सबसे डीप एरिया है, एंड ये अप्रोक्सीमेट 11,000 मीटर गहरा है, और इतने गहराई में आज तक सिर्फ 2 लोग ही जा पाए हैं जिन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे जीवों को देखने का दावा किया है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एंड साइंटिस्ट ने इस प्लेस को 5% भी एक्सप्लोर नहीं किया है, जिसके चलते ये जगह एक मिस्ट्री बनी हुई है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आओगा, सो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 3 अमेजिंग फैक्ट अबाउट गूगल। नंबर 1, गूगल आज तक का दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला वेबसाइट है। नंबर 2, गूगल की 90% से भी ज्यादा अर्निंग एडवर्टाइजमेंट से होती है। नंबर 3, गूगल का सर्च इंजन अप्रोक्सीमेट 100 मिलियन गीगाबाइट्स का है। इतना डाटा स्टोर करने के लिए आपको 1 टेराबाइट्स की 1 लाख ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, एंड यस, ऐसे ही वीडियोज के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 3 अमेजिंग फैक्ट अबाउट गूगल। नंबर 1, गूगल एवरीडे 5 बिलियन रुपीज से भी ज्यादा कमाता है, यानी कि गूगल हर सेकंड में 50,000 रुपीज कमाता है। नंबर 2, गूगल के 40 कंट्रीज में 70 से भी ज्यादा ऑफिस हैं। नंबर 3, गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जिस पर 1 मिनट में 2 लाख से भी ज्यादा सर्च किए जाते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आओगा, सो ऐसे ही वीडियोज के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज मैं आपको 2 फेमस कंपनीज के लोगों के पीछे हिडन मीनिंग को बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, अमेजोन। इस टाइम अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, बट क्या आप जानते हैं अमेजोन के लोगों में जो एरो है वो एक्चुअली एरो नहीं बल्कि एक स्माइल का सिंबल है, जिसका मतलब अमेजोन अपने प्रोडक्ट से अपने कस्टमर को हमेशा हैप्पी रखता है। एंड अमेजोन के लोगों में एक और भी हिडन मीनिंग है। वेल, ये एरो ए से लेके जेड तक गया है, जिसका मतलब ये है कि अमेजोन पे A to Z सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नंबर 2, फ्लिपकार्ट। दोस्तों फ्लिपकार्ट का ये लोगो कोई नॉर्मल लोगो नहीं है, बिकॉज अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्माइल करता हुआ इमोजी दिखेगा, जो कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड इस लोगो के अंदर F को स्पीड में दिखाया गया है, जिसका मतलब ये कंपनी अपने कस्टमर के ऑर्डर को बहुत जल्दी उनके पास पहुँचा देता है। दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगा, सो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों एक बार एक इवेंट में इलॉन मस्क से ये पूछा जाता है कि सर आपने कार बनाई, अंडरग्राउंड टनल्स बनाए, रॉकेट्स भी बनाए, बट आपने एक चीज नहीं बनाई, वो है मोटरसाइकिल। तब इलॉन मस्क स्माइल करते हुए आंसर देते हैं कि जब मैं बच्चा था तब मैंने काफी ज्यादा बाइक चलाई, एंड 17 ईयर की एज तक मेरे पास एक बाइक थी, बट एक दिन मेरा मोटरसाइकिल से ट्रक एक्सीडेंट हो गया था, एंड उस एक्सीडेंट में मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था, बट शायद उस दिन मेरा लक ज्यादा ही अच्छा था जो मैं बच गया, एंड यही वो रीजन है जिसके चलते मैंने कभी मोटरसाइकिल बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगा, सो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपने रॉयल रॉयस कार के फ्रंट बोनट पर लगे उसके लोगो को तो देखा ही होगा, बट गाइस क्या आपको पता है इस लोगो को कोई भी चुरा नहीं सकता। दोस्तों रॉयल रॉयस का लोगो 1.5 करोड़ के आसपास है, ऐसे में लोग इसे चुराने की कोशिश तो जरूर करेंगे, एंड इसीलिए रॉयल रॉयस ने इस लोगो में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया है कि जब भी इसको कोई चुराने की कोशिश करता है तो ये अपने आप ही कार के अंदर चला जाता है। गाइस जब भी इसे कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो ये कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली इसका मोटर ऑन हो जाता है एंड इसको अंदर खींच लेता है, और दोस्तों इसीलिए इस लोगो को कभी भी चुरा नहीं सकता। वेल, रॉयल रॉयस के इस यूनिक लोगो का नाम द स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी है। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड ऐसे वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि किसी भी नए कार को मार्केट में उतारने से पहले उसकी क्रैश टेस्टिंग की जाती है, बिकॉज ये पैसेंजर के सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। बट गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि जब मार्केट में नए डिजाइन के प्लेन को उतारा जाता है तो उसकी क्रैश टेस्टिंग कैसे की जाती है। वेल, अभी आपके स्क्रीन पर एक प्लेन की क्रैश टेस्टिंग दिख रही होगी, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि क्योंकि पब्लिक प्लेस या फिर किसी भी सिटी में इन तरीके की टेस्टिंग को करना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसीलिए हमेशा ही नए डिजाइन के प्लेन की टेस्टिंग कुछ इस तरीके से काफी बड़े ग्राउंड या फिर डेजर्ट में की जाती है। दोस्तों क्या आप इसके बारे में पहले से ही जानते थे, कमेंट्स में जरूर बताना, एंड ऐसे वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एक ऐसा अमेजिंग लाइफ हैक जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आ सकता है, जिसे जानने के बाद आप भी यही कहोगे क्या बात है। वेल, अगर आपने भी कभी बॉक्सेस पर ये वाले टेप को चिपका होगा एंड उस टाइम आपके पास सीजर या ब्लेड ना रहा हो तो आपको उसे काटने में बहुत दिक्कत हुई होगी, बट अब जब आप ऐसा अगली बार करेंगे तो आपको बिना सीजर या ब्लेड के टेप अलग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब आप एक सिंपल एंड कूल ट्रिक को जानने वाले हो। वेल, सिंपली आपको टेप को अलग करने के लिए टेप को कुछ इस तरह से फोल्ड करके उसे जोर से नीचे की तरफ खींच देना है एंड टेप प्रॉपर वे में अलग हो जाएगा, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग ट्रिक है।